फुटबॉल की जान, फुटबॉल की शान, रोनाल्डो मेस्सी नहीं, अजय देवगन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सार्थक है, आप सभी देख रहे हैं स्टार्टअप शो और आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की फिल्म मैदान के ट्रेलर के बारे में। जी हां दोस्तों, अजय देवगन मैदान का ट्रेलर, फुटबॉल की बात, मैच नहीं खा रहा लेकिन ये होने वाला है दोस्तों, वो चक दे इंडिया वाली वाइब, वो लगान वाली वाइब फिर से आने वाली है अजय देवगन के साथ में। ये कहानी है साईद अब्दुल रहीम की। साईद अब्दुल रहीम 1952 से 1962 तक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रहे और उनकी स्ट्रगल्स, उनकी कहानी, उनका मोटिवेशन, किस तरीके से उनने इंडियन फुटबॉल टीम का नाम ऊपर किया, नाम उठाया, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट किया ना, पहले तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, तो वो उस एस्टेब्लिशमेंट की कहानी कि कैसे इंडियन फुटबॉल टीम का नाम एस्टेब्लिश किया गया, तो रहीम साहब की देन है भाई और उनके ऊपर ये कहानी बनी है। ट्रेलर की फीलिंग तो वही चक दे इंडिया वाली या वो क्रिकेट वाली मूवीज आती है ना, जो कि भाई ऐसे चार पांच लोगों को उठा लिया, या फिर लगान में जैसे वो हाथ फेंकने वाला, ये वो ऐसे वैसे लोगों को उठा के, मतलब कचरे से वो कहते ना कि यहां से उठा के यहां बना दूंगा, तो उस टाइप का सीन है कि भाई ऐसे गांव देहात के या फिर ऐसे रोड साइड कोई भी को उठा लिया जो फुटबॉल में अच्छे थे और उन लोगों से मिलकर एक बड़ी टीम बनाई और फिर उस टीम के साथ इंटरनेशनल फुटबॉल खेला गया, तो भाई उस लेवल का मैच है, समझ जाओ आप। ट्रेलर में अजय देवगन बहुत ही तगड़े लग रहे हैं भाई, उनका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो विजुअल है वो सीरियस मोड जो उनका हमेशा रहता है, वो सीरियस मोड वाला जो उनका विजुअल है वो बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, बहुत मतलब वाइब सेट कर रहा है। थोड़ी कमी ये लग रही है कि जो बाकी कैरेक्टर थे जो कि खेलने हुए आए हैं उन लोग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और होना था कि वो लोग क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, किस टाइप का रोल है उनका, तो वो सब नहीं देखा, पूरा फोकस अजय देवगन की तरफ किया गया, जो कि एक अच्छा पॉइंट भी हो सकता है लेकिन एक बुरा पॉइंट भी हो सकता है। बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था, तगड़े डायलॉग्स थे भाई, डायलॉग के बारे में तो बिल्कुल भी कमी नहीं कहूंगा, डायलॉग बहुत ही ज्यादा तगड़े थे। इवन मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद आया फिल्म का कि तो मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक, ओ भाई गूज़बम्स यार, मतलब क्या काबिले तारीफ यार, जैसे कि वो चक दे इंडिया में हुआ था जिस तरीके से वो डायलॉग वगैरह थे कि एक मिनट क्या था यार वो, जो भी रहा भाई आपको बताए कमेंट करके बताओ, तो उस टाइप के डायलॉग्स यूज किए गए हैं जो कि सच में दिल लुभाने वाले हैं। वहीं पे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा होने वाला है, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक ए आर रहमान दे रहे हैं। जी हाँ भाई, ए आर रहमान के म्यूजिक रहने वाला है, तो समझ जाओ क्या ब्रांड होने वाला है, क्या शब्द नहीं आ रहा है, इतना प्यारा म्यूजिक होने वाला है दोस्तों, तो तैयार हो जाओ तबाही के लिए भाई, क्योंकि फिलहाल ट्रेलर मुझे ठीक ठाक ही लगा, उतना खास भी नहीं लगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मल जो मूवीज आती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं, लेकिन क्योंकि ए आर रहमान का म्यूजिक है, बोनी कपूर ने डायरेक्ट भी किया है, ऊपर से अजय देवगन है, अजय देवगन का खुद इतना बड़ा ऑरा है, ऊपर से ये फुटबॉल के ऊपर मूवी है और फुटबॉल के पसंद करने वाले लोग बहुत बढ़ चुके हैं भाई, तो आज की डेट में मुझे ये मूवी का ट्रेलर ठीक ठाक लगा। देखते हैं ट्रेलर के बाद मूवी कैसी होती है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, कैसी होगी मूवी, क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा सब मैं आपको बताता रहता हूँ, तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए।